रामगंगा नदी के तट पर पीतल हस्तशिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध बसा है शहर मुरादाबाद। गंगा की बहती कल कल निर्मल धारा के बीच इस शहर में पीतल के बर्तनों की भिन्न भिन्न झनझनाती आवाजों की अनुगूंज, ठठेरी बाजार में हुनरमंदों की दिन रात ध्वनि अंकन युगों युगों से सजती समरती रही है। काल छंदों के बीच इस शहर की पहचान से जुड़ा रहा है यहां का मोहल्ला नवाबपुरा। सारंगी सौरंगी वाद्य यंत्रों की धुनों और सुरों की पहचान का वट वृक्ष बीते लगभग 400 वर्षों से यहां स्थापित रहा है। उसी मुरादाबाद घराने की छठवीं पीढ़ी में रविवार 10 अप्रैल 1927 को उस्ताद छज्जू खां के घर उनकी बेगम ताहिरा की कोख से सूर्योदय की पहली स्वर्णिम रश्मियों के साथ जिस बालक का जन्म हुआ, उसी बालक ने सारंगी की अपनी धुनों से आजाद हिंदुस्तान के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में पहचान दर्ज करा दी। प्रारंभिक दीक्षा अपने दादाजी उस्ताद हाजी मोहम्मद खां की शागिर्दगी में ली और बाद में अपने वालिद उस्ताद छज्जू खां की सरपरस्ती में वो सारंगी सीखते रहे। साबरी खां बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। रागों तानों लयकारी और आलाप को मिलाकर अपनी एक ऐसी विशिष्ट शैली उन्होंने विकसित की जिसने सारंगी की परंपरागत शैली को भी बचाए रखा और उनकी सारंगी मूल शैली में भी सुनने को मिलती रही। होनहार वीरवान के हो चीखने पात की कहावत को चरितार्थ करते कलाकार की हुनरमंद सारंगी 14 बरस की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो से पहली बार गूंजी। कहते हैं कि 15 साल की उम्र में ही उनमें उस्ताद के सारे गुण मौजूद हो गए थे। 15 अगस्त सन 1947 भारत की आजादी की वो ऐतिहासिक रात का जश्न यादगार बन गया जब 20 साल की उम्र में उस ऐतिहासिक क्षण में उनकी सारंगी के सुर संसद भवन में वंदे मातरम की धुन के साथ गूंजे थे। अतीत के लम्हों में जब झांकते हैं तो सोचते हैं कि महान शख्सियतों के साथ संगत का मौका उन्हें कैसे मिलता रहा। आकाशवाणी के अलावा लोकसभा और राज्यसभा चैनलों की संकलन श्रृंखलाएं एक नायाब तोहफा का इतिहास बनकर संग्रहित है। दूरदर्शन के संदेश में तो अनेक शख्सियत के कई पड़ाव की अभिव्यक्तियां अभिलेखागार में संग्रहित हैं। मैंने उनको पहली बार 60s में सुना था और ये 60s में जब वो अमेरिका के दौरे पर गए थे रविशंकर जी के साथ, तो उस वक्त मैं पहली बार उनको मैंने सुना और वो काफ़ी बजाए और वहाँ लोगों ने उनको इतना पसंद किया। सारंगी प्लेयर का रंग अलग है, उसकी खुशबू अलग है, उसका अप्रोच अलग है और यही हमारे मौसीकी की खूबी है कि कोई एक जैसा नहीं है, आइडेंटिकल नहीं मिल सकता, दूसरा साबरी खान साहब पैदा नहीं होगा। मैंने उनके साथ कितनी बार उनके संगत में उनके सारंगी के साथ मैं गाई हूँ। इतने सुरीले व्यक्ति, सच्चरित्र और बड़े सच्चे इंसान हैं और बड़ा ही आनंद आता है उनके साथ गाने बजाने में।
1942 से लेकर 1989 तक अनवरत अपने धुन का पक्का वही किशोर कलाकार अपने घराने की परंपरा को आगे बढ़ाता रहा। फिर आगे बढ़ता रहा उनकी कामयाबी का सिलसिला और निरंतर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों और अलंकरणों से वो अलंकृत होते रहे। वर्ष 1954 से लेकर 2007 तक उस्ताद साबरी खां निरंतर देश विदेश में अपनी सारंगी के मीठे बोल यत्र तत्र सर्वत्र गुंजाते रहे। एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां विश्व की नामचीन कलाकारों के साथ संगत ने विश्व फलक पर उन्हें स्थापित कराया। उस्ताद को फक्र रहा है भावनात्मक एकता के सबसे ऊंचे फलक पर स्थापित रहे युग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ बैठकर सारंगी के रस में उन्हें सराबोर कर देने पर और उनके धीरे धीरे ठीक होने की यादें तो उन्हें जीवन पर्यंत हमेशा बल देती रही। जब वो बीमार पड़े तो डॉक्टरों ने एडवाइस किया उनको कि इनको कुछ मीठे मीठे साज सुनाए जाए, तो उन्होंने फिर मेरा नाम लिया टीम में जाकर। जा मैं तो से नहीं बोलूंगी प्यारे जा मैं तो से। इस किस्म की कोई अच्छी चीज बजाई जो ताकि उनको मन को अच्छा लगा। सारंगी सौरंगी का बादशाह उस्ताद साबरी खान अपनी पीढ़ियों को मुरादाबाद घराने की बागडोर सौंप 1 दिसंबर दिन मंगलवार 2015 को चिर निद्रा में लीन हो गए। आफताबे सारंगी उस्ताद साबरी खां की सांसें शांत हो गईं, मौन हो गईं, किंतु वसीयत में अपनी सारंगी के सुरों और बंदिशों की मिठास अपने कद्रदानों को सौंप गए। और मुरादाबाद घराने की सारंगी की वो बेमिसाल परंपरा कद्रदानों को सुवासित करती रहेगी। किंतु उनके कद्रदानों के बीच मुरादाबाद सारंगी सौरंगी घराने की भावी पीढ़ी अब उस्ताद कमाल साबरी ने नई पीढ़ी के बीच अपने वालिद गुरु उस्ताद साबरी खां की सारंगी के सुरों की स्थापित शैली परंपरा की पहचान को इस हाईटेक युग में एक नई दिशा में आगे बढ़ा दी है। उनके पौत्र ने भी सारंगी के तंतु संसार की उनकी पहचान को नई राह पर आरंभ कर दिया है। महान विभूति कलाकार को राष्ट्रीय सम्मान अवसर पर आम जनमानस की ओर से शत शत नमन। मोरे सारे दे जो मोरे सारे।